ये हमारे पास है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.7 में ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। आपसे क्या कह रहा है, वन सेज गिव मी 100। आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, दैट इज केस वन। देयर आर टू पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड, वेरी सिंपल लैंग्वेज, ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं। तो वन सेज गिव मी 100, आस्किंग फ्रॉम सेकंड गिव मी 100। जैसे ही उसने ये कहा गिव मी 100, इट मींस फर्स्ट के पास प्लस 100 हो जाएगा और सेकंड के पास माइनस 100 हो जाएगा। प्लस 100 और माइनस 100 का मतलब क्या है कि सपोज करो स्टार्टिंग में फर्स्ट के पास एक्स है और सेकंड के पास वाई है, तो आफ्टर गिविंग 100 फर्स्ट के पास होगा एक्स प्लस 100 और सेकंड के पास होगा वाई माइनस 100। But what will be the relation? I shall then become twice as rich as you. कोई बच्चा मुझे बताएगा x plus 100 में और y minus 100 में क्या relation हो गया? हमारे उल्टा हो गया, subtractive हो गया। अच्छा तो होगी। जी। आपसे कह रहा है I first becomes twice as rich as you second. So what will be the relation? X plus 100 equals to 2y minus 100. X plus 100. Y minus 100. Yes, Mr. Shabas. Twice of y minus. That is my first question. ठीक है? और जब इस तरह से x y की वैल्यू आए, तो उसमें सबसे अच्छा होता है कि आप उसे सब्स्टिट्यूशन से कर लें। तो x is equals to 2y minus 200 minus 100. That is simply x is equals to 2y minus 300. ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, अगर आप सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखेंगे इसी का ही, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आपसे क्या कह रहा है, द अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी 10, यू गिव मी 10, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट ये हमारे पास है, ये हमारे पास सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट के पास स्टार्टिंग में हमने एक्स लिए हैं, सेकंड के पास स्टार्टिंग में हमने वाई लिया है। तो सेकंड क्या कह रहा है, जस्ट गिव मी 10, तुम सिर्फ मुझे 10 दे दो। तो जैसे ही 10 दे दो, तो 10 किसने दिया है, फर्स्ट ने या सेकंड ने? वाई ने दिया सर, सेकंड वाई ने लिया है, वाई ने लिया है, y plus 10 ने लिया है, yes, और x ने लिया है, तो that is x minus 10, ठीक है। But अब क्या कह रहा है कि I shall be 6 times as rich as you, तो second कह रहा है इस बार कि भाई मैं जो हूँ, तो second कह रहा है, तो second है y plus 10, will be 6 times as rich as you, तो that is x minus 10। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? Yes sir, आ गई। आ गई सर। Very good. सॉल्व कर लो आराम से, y plus 10 is equals to 6x minus 60, ठीक है। x की वैल्यू रख लीजिए, x कितना था, 2y minus 300, तो from 1 y plus 10 is equals to 6, x है 2y minus 300 minus 60, कितना आ जाएगा, 6 to the 12y minus 600 माइनस 60, तो कितना आएगा y प्लस 10। तो सबको एक साथ ले लीजिए बेटे, ये हो गया 660 और इधर आके हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 670 माइनस 12, हमारे पास आएगा 11, ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो 11y इज इक्वल टू 670। हमारे पास कितना 670, व्हाट परफेक्ट डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अब कभी जाइए कभी कहीं जाना होता है, क्या गलत किया कोई बताएगा, बाहर पढ़ते थे फिर जाना पड़ता था, फिर ये गलत 1800 63 जा, ठीक है, अच्छी बात है। 1860 और इधर जाके 1870, कुछ नहीं होता, तो कुछ होता भी नहीं, टाइम ऐसे कट जाता है। यस, अब 11 से कैंसिल कर दो, तो 11 बन जाए 11 7 1 7, तो y इज इक्वल्स टू 1 7, पुट इन 1 सपोर्ट पे है हमारे पास x क्या है, 2y minus 300 170,
माइनस 340 माइनस 300 तो x इज इक्वल्स टू 40. अब आप कुछ सोचो, आंसर चेक कर लेते हैं. फर्स्ट के पास 40 है और सेकंड के पास 170. इसने क्या कहा था फर्स्ट ने, गिव मी 100. तो गिव मी 100 का मतलब क्या था, फर्स्ट के पास हो जाएगा 140, सेकंड के पास रह जाएगा 70. क्या 140 70 का डबल है? हां भाई, 140 इज ट्वाइस ऑफ 70, यस और नो? यस सर. देखिए, जो मैंने सॉल्व किया वो मेरी मर्जी है, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप इक्वेशंस बनाना सीख लें बस. तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x plus 100 is twice of y minus 100. Now it is up to you कि आप substitution से करते हो या elimination से करते हो. And second हमारे पास क्या था कि y plus 10, इसने 10 लिया है और इसने 10 लिया, will be 6 times of first. तो ये बेटा आपकी इक्वेशंस आ गई. बाकी जो मैंने सिंपलीफाई किया है जल्दी जैसे भी किया है, आपकी चॉइस हो सकती है कि आप ऐसे करें, नहीं तो अपनी मर्जी है. तो खैर हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे, x 40 and y 170. तो पहला केस था अगर ये 100 देता है. दूसरा कह रहा सिर्फ मुझे जो है तुम 10 दे दो, तो अगर इससे 10 लेगा तो यहाँ रह जाएगा 30 और यहाँ 170 प्लस 10 हो जाएगा 180. तो देखो सेकंड वाला इसका 6 टाइम है या नहीं, ठीक है. 140 इज ट्वाइस ऑफ 70 बट 180 इज 6 टाइम्स ऑफ 30. ये हमारे पास क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारे पास और है, ये देख लीजिए.